उसी घी को सिंदूर में मिला दो तो सिंदूर में मिले चोला आलीशान होता खिला दो तो पहलवान, अगर उसी घी को सिंदूर में मिला दो तो हनुमान जी का चोला आलीशान, और अगर उसी घी को कुत्ते को खिला दो तो घी नहीं मिलता तो ना, अगर पुरुष को घी ना मिले तो घी नहीं मिलता तो दम नहीं होता। लोग कहते हैं वही घी तो कुत्ते को हजम नहीं होता, हजम नहीं होता, हजम नहीं होता। और अगर वही घी शहद में मिला दो घी तो बनता जहर है। कि घी खा के मानो पहलवान होता। अगर इंसान को घी खिलाओ तो दिमाग मजबूत, शरीर भी मजबूत। तो कहना एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की सो हर को। आइएगा इस चौपाई को सिद्ध करा कि घी था के मानो पहलवान होता। अगर वही घी माता जी बहन जी केवल टुकड़े को सुन के जाइएगा, इस टुकड़े को सुनिए, इसके बाद जाइएगा अधूरा ना। पक्षियों की जात है, उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। आइएगा सुनते हैं फिर मालूम लगाया किसी से